कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में सेना के तीनों अंगों की ओर से विशेष सलामी दी जाएगी। कल सेना के तीनों अंगों की ओर से कोरोना वायरस का फूल वर्षा की जाएगी। जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान किया जाएगा पुष्प वर्षा के जरिए, वहीं फ्लाइंग पास्ट कर विशेष सलामी दी जाएगी, जिसके लिए आज वायुसेना के दो हेलीकॉप्टर भी जयपुर पहुंचे हैं। दोनों हेलीकॉप्टर्स के SMS अस्पताल पर ट्रायल किए गए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल इन वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कोरोना वॉरियर्स का फूल वर्षा कर सम्मान किया जाएगा, फ्लाइंग पास्ट कर विशेष सलामी दी जाएगी, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी ऐसे में हो जाता है, क्योंकि लगातार अपनी सेवाएं वो दे रहे हैं, लगातार अपने परिवार से दूर रहकर लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में एक बहुत सराहनीय पहल। मनीष, बताना चाहूंगा, जिस तरह कोरोना से अग्रिम पंक्ति में रहकर जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, जी उन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान की में सेना की जो तीनों अंग हैं उनकी ओर से घोषणा की कल CDS उनकी ओर से घोषणा की गई, बिपिन रावत की ओर से घोषणा की गई कि ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके सम्मान में सेना की ओर से फ्लाइंग पास्ट, सबसे बड़ा एक फ्लाइंग पास्ट किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान किया जाएगा। देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिपिन रावत ने घोषणा की थी कि तीनों सेना के जो अंग हैं उनकी ओर से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा, जिसके लिए वायुसेना की ओर से श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक सबसे बड़ा फ्लाइंग पास्ट करेगी, और नौसेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो कुछ अस्पताल और खासकर COVID-19 जो स्पेशल अस्पताल है उन पर फूल बरसा कर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेंगे, जिसके लिए जयपुर में भी कल SMS हॉस्पिटल के ऊपर वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के माध्यम से फूल बरसा कर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा, जिसके लिए आज ट्रायल भी की गई है। SMS हॉस्पिटल के ऊपर वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के माध्यम से ट्रायल हुई है जी। और कल वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के माध्यम से हॉस्पिटल के ऊपर फूल बरसा कर सभी डॉक्टर, नर्सेज, सफाई कर्मी, पुलिस, होमगार्ड, डिलीवरी बॉय, जो भी कोरोना वॉरियर है उनका सम्मान सेना की ओर से किया जाएगा। जी दिनेश, कोई समय निर्धारित हुआ किस वक्त ये पुष्प वर्षा की जाएगी? बिल्कुल, देखिए मनीषा, करीब 12 बजे के करीब ये पुष्प वर्षा की जाएगी। सेना के जो वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं वो पुष्प वर्षा कर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेंगे। बिल्कुल दिनेश, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज वायुसेना के दो हेलीकॉप्टर जयपुर पहुंचे, ट्रायल दोनों हेलीकॉप्टरों के हुए, और साथ ही कल कोरोना वॉरियर्स का सम्मान होगा पुष्प वर्षा, सेना के तीनों अंगों की ओर से कोरोना वॉरियर्स पर की जाएगी, फ्लाइंग पास्ट कर विशेष सलामी दी जाएगी कोरोना वॉरियर्स को, क्योंकि लगातार अपने घरों से दूर रहकर जिस प्रकार से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं ऐसे में उनका मनोबल बढ़ने वाला है इस पुष्प वर्षा के बाद।